बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पहले तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था पहले। बहुत ही नेगेटिव, आई वुड से बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन रहता है। घर वालों का ट्रस्ट को भी नहीं तोड़ना है, बीइंग नहीं, पहले तो नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। कश्मीर की बेटियां आजकल आसमान को छू रही है। कश्मीर की बेटियां किसी से कम नहीं है। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है ताबिया जान, जिसने हाल ही में नेशनल लेवल पे ब्रोंज लाया है पावर लिफ्टिंग में। ताबिया, शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। ताबिया, आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम ताबिया जान है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में रहती हूँ। आपकी तालीम व तरबियत कहाँ से शुरू हुई? जी, इनिशियली मेरी स्कूलिंग इमामिया पब्लिक स्कूल डाब गांदरबल से हुई, और आज मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है बीए डिग्री कॉलेज संबल में। पावर लिफ्टिंग के अलावा आप कोई और गेम खेलती हो? जी, स्काई मार्शल आर्ट्स। जी, एक्चुअली मैंने जिम ज्वाइन किया था कुछ ही मंथ पहले फॉर जनरल फिटनेस। तो फिर जब मैं जिम कंटिन्यू आती थी, वर्कआउट करती थी, मुझे लगा मुझ में वो कैपेसिटी पोटेंशियल है कि मैं पावर लिफ्टिंग कर सकती हूँ। फिर पावर लिफ्टिंग की एक्सरसाइज स्टार्ट की, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो ऐसे ही शौक बढ़ता गया। फिर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया गेम में। फिर मैंने सुना था कि श्रीनगर में यूटी लेवल का कंपटीशन होने वाला है, मैं वहाँ गई, मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे मैंने 3 गोल्ड मेडल्स जीते। उसके बाद से वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई नेशनल लेवल के लिए, जो कि न्यू दिल्ली में हो गया, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? जी, इनिशियली तो सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिली भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, पहले तो नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था। हाउ यू अपना लाइक जो है घर वालों का ट्रस्ट को भी नहीं तोड़ना है, बीइंग गर्ल, आपको ये नहीं सोचना आपको एक दफा निकलना है घर से एक इवेंट में, नहीं, अगर आप स्पोर्ट्स में है आपको रोज प्रैक्टिस के लिए जाना है, आपको ओकेजनली जाना है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको चाहे आप अपने घर वालों का ट्रस्ट मेंटेन करके रखें। बहुत ही नेगेटिव, आई वुड से बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन रहता है, लेकिन वो नेगेटिविटी मैं खुद पे उसको इफेक्ट नहीं होने देती। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहले तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पहले बोलते थे क्या फजूल में निकल दिया, पता नहीं कहाँ होती है, लोगों को आधों को पता था आधों को नहीं पता है, लेकिन जब से मेडल जीते अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश हैं। करो, क्योंकि आपके पास ये स्पेशल सर्टिफिकेट्स है, मेडल्स है, एक ट्रॉफी भी है, कैसा महसूस हो रहा है और घर वालों का क्या कुछ अभी रिएक्शन है जो कि आपने ब्रोंज हासिल किया है यूटी लेवल पे? बहुत ही अवार्डिंग सिचुएशन है, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ऐसे मतलब एक लड़की के लिए नेशनल लेवल तक जाना, वहाँ से मेडल जीत के आना, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, आई मीन यूटी का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात है। तब उनके लिए क्या मैसेज रहेगी जो आजकल ड्रग्स में मुबतला, गंदे गंदे कामों में मुबतला, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? उनके लिए यही मैसेज है, आप वो रास्ता, वो तरीके ज़िंदगी छोड़ दे, आप स्पोर्ट्स में आए, आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा लाइफ का, आप स्पोर्ट्स में आके एक अलग ही खुशी महसूस करेंगे, आप वो छोड़े, स्पोर्ट्स में आके आप अपनी जहनी सुकून हासिल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ताबिया। ये थे हमारे साथ ताबिया जान, जिसने हाल ही में यूटी लेवल पे ब्रोंज हासिल किया है, और इसकी आखिरी मैसेज यही थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट्स में आए और अपने माँ बाप और सोसाइटी का नाम रोशन। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं मीर पर कैसर काश पोस्ट गांधरबल।